नमस्कार, मैं वीर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जनवरी 2020। बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में क्या है? जेडीयू नेता पवन वर्मा के बयान के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। अब सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जहां जाना है जाए। दरअसल पिछले दिनों पवन वर्मा ने सीएम नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि पार्टी का स्टैंड क्लियर किया जाए। पवन वर्मा ने सवाल पूछा था कि आखिर जेडीयू बीजेपी को इतनी तरजीह क्यों दे रही है। इसी मामले में कल सीएम नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यह बात कही। कृषि, पशुधन और आपूर्ति मंत्री टेरेजा क्रिस्टीना कोरिया दा कोस्टा डाइस के नेतृत्व में ब्राजील के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार रामविलास पासवान से संक्षिप्त विचार विमर्श हेतु 23 जनवरी 2020 को भेंट की। इस अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई आपसी बातचीत के दौरान सचिव खाद्य और सार्वजनिक वितरण रविकांत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापार सचिव ब्राजील दूतावास भी उपस्थित थे। सरस्वती पूजा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर पटना डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। दरअसल मीटिंग में गंगा को बचाने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत नदी में मां सरस्वती का प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाया जाए। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने तालाब के पास गोताखोर, NDRF, पुलिस बल, एम्बुलेंस आदि डॉक्टरों की व्यवस्था की है। NRC और CAA के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होने के लिए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण कल पटना पहुंचे। पटना के लालगंज और सब्जी बाग में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चाय पिलाएंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, सर कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। कल सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यह कहा कि जेडीयू नेता पवन वर्मा को जहां जाना हो जाए उनकी शुभकामनाएं दी, साथ ही इशारों में प्रशांत किशोर पर भी तल्ख टिप्पणी की है। इसको लेकर जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू दानवीर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। राजू दानवीर ने कहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार है, प्रशांत किशोर को एक पल भी उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। बैठक में 2019 में बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कृषि इनपुट सब्सिडी बांटने का निर्देश दिया। 22 जनवरी को पटना के आदित्य कम्युनिटी सेंटर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह को एक साथ मनाया गया। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने लोकनायक कर्पूरी ठाकुर के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि लोग मैं, मेरा और मुझे से आगे सोच ही नहीं पाते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जिसने कर्पूरी का सिर्फ मुखौटा पहना है और बिहार को लूटने का काम किया, सुभाष का नाम लेकर जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम संकल्प के साथ एक नई लड़ाई शुरू करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने के लिए अररिया SP धूरत साइली सावला राम को सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। IPS धूरत साइली सावला राम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही पटना DM कुमार रवि समेत 4 अन्य जिलाधिकारियों को भी पुरस्कृत करने का ऐलान किया गया है। बिहार में पोस्टर वार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को RJD के तरफ से बिहार की NDA सरकार को ट्रबल इंजन बताते हुए पोस्टर लगाए गए थे। अब जेडीयू ने इसके जवाब में नए पोस्टर लगाए हैं। जेडीयू की तरफ से लगाए गए नए पोस्टर में पटना होटबार करप्शन मेल को दिखाया गया है। इस ट्रेन के सामने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाथ में अपराध गाथा की डायरी लिए खड़े हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खटिए पर बैठे अपने पिताजी को निहार रहे हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के संकेत, कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी शुरू। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों पर नजर डाले तो बैंक का मुनाफा 4.5% से बढ़कर 1,757 करोड़ रुपए रहा है।
सीटेट के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन के लिए पूरे एक माह का समय दिया गया है, यानी 24 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा देश के 112 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा की तिथि 5 जुलाई रखी गई है। सीटेट के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन के लिए पूरे एक माह का समय दिया गया है, यानी 24 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा देश के 112 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा की तिथि 5 जुलाई रखी गई है। सीटेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी देश भर के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के शिक्षक बनेंगे। इन्हें TET प्रमाण पत्र मिलेगा। TET की वैलिडिटी 7 साल तक होगी। अगले सत्र में दाखिला के लिए इग्नू ने छात्रों को एक और मौका दिया है। अब 31 जनवरी 2020 तक आवेदन जमा हो पाएगा। पहले 20 जनवरी तक ही तारीख तय थी। भारतीय तट रक्षक के लिए वैकेंसी आ गई है। कुल वैकेंसी 260 है। पद नाविक GD होगा। ऑनलाइन आवेदन 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा। चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल फिटनेस के आधार पर होगी। भारतीय तटरक्षक के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 साल उम्र सीमा है। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल उम्र सीमा। पूरे बिहार में आज कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। हमारा समाज उसे इसीलिए याद कर रहा है कि वे सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता थे। उन्होंने ही 8वीं तक की पढ़ाई निःशुल्क कराया था। बेगूसराय के स्कूलों के 46 हेडमास्टर का वेतन बंद हो गया है। इन शिक्षकों ने प्रयोगशाला उपकरण मद में उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। अररिया जिले में पलासी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस दौरान 2 बोतल शराब भी बरामद किया है। दूसरी ओर सोनपुर चौकी पर SSB के जवानों ने 60 बोतल शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया में दूध व्यवसायी की हत्या पैसे की लेन देन में कर दी गई। मृतक का नाम पुद्धुमन यादव है। वह हतवन पंचायत का रहने वाला था। मुजफ्फरपुर में ADJ मनोज कुमार से पत्र भेजकर रंगदारी मांगने के मामले में मुसहरी प्रखंड के पूर्व CEO मनोज राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कार्य शैली में उदासीनता के कारण खान एवं भूतत्व विभाग ने 13 सहायकों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 5 अधिकारियों का वेतन रोकते हुए उनसे शो काउज किया गया है। 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा भी बेल्ट्रान को वापस कर दी गई। ये थी बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा पेज को लाइक करें। यदि आप इन्हें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द न्यूज 9X को सब्सक्राइब करें।